एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी अब ठीक हूँ। तबीयत खराब थी मेरी 6-7 दिन से, बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, उसमें वीडियो नहीं आ रही थी मेरी। तो चलिए, अब अल्लाह का शुक्र है अब तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़, आज मैं ये प्लांट्स अपने लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। मेरे घर में ये इंडोर प्लांट्स हैं, मतलब ये छत पर थे तो मैंने ध्यान नहीं करा और धूप इतनी तेज पड़ रही है जिससे मनी प्लांट सारी सूख गई है। स्वीट पोटैटो वाइन थी वो सूख गई है। तो ये कुछ प्लांट्स थे जो मैं नीचे लेकर आ गई थी, और ये मेरी मनी प्लांट है तो खराब हो रही है बीच में से, तो इसे पूरा कट कर दूंगी। फिर आपको चलो दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ, आप देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पैर देखना आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल जरूर दबाइएगा, और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं बेल दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, बीच में से इसके पत्ते झड़ चुके हैं, बच्चों ने तोड़ दिए थे कुछ, और परसों तो इसकी ग्रोथ सही है तो ये गंदे लगते हैं। और गाइस एक ये मतलब बेल है एक तरह की, और पता नहीं कैसे मेरे गमले में उगाई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या नाम है। अगर आप कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे नाम ज़रूर बताइएगा इसका कमेंट्स में। तो ये देखिए, आज चलिए काम शुरू कर देते हैं और इसकी छटाई कटाई कर देते हैं इसे बिल्कुल, ताकि नए सिरे से अच्छी हो जाए, इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो इसे बिल्कुल मैं नीचे से काट दूंगी, और जो नई नीचे से इसकी रूट्स निकल रही हैं और डालियां निकल रही हैं वो इसे दोबारा से इसे चढ़ा देंगे। तो चलिए, हम आज का दिन पेड़ पौधे के नाम ही किया हुआ था मैंने कई दिन से, अच्छा एक हफ्ते से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बैक पेन बहुत ज़्यादा था मुझे, बैठने की परेशानी से, डॉक्टर ने मना कर रखा था बैठने को, ख़ास करके ज़मीन में, तो बैठने का कोई काम नहीं कर रही थी। और अभी डांट लगाते हैं फिर ऊपर से। तो ये देखें, ये मैंने काट दिए, वो बैठने का काम वो तो अभी थे नहीं, मार्केट गए हुए, तो जो ये मैंने इतनी देर काम किया है, नहीं तो डांट पड़ती डेफिनेटली, क्या तुम बैठने का फिर काम कर रही हो। तो ये देखें, ये मैंने सारी जो टहनियाँ हैं इसकी काट दी हैं, और ये जेट प्लांट्स है जो इसमें पानी की मग में रखा हुआ है मैंने, इसके वो भी लगाना है गमले में। तो ये मैंने मंगाया है कहीं से, तो बस इसकी रूट्स भी मुझे अच्छे से काटनी है। और ये देखें, ये फ़िश बाउल रखा हुआ था, फ़िश तो सारी मर चुकी थी काफ़ी दिनों से, मैंने सोचा चलो इसका यूज़ प्लांट लगाने के लिए कर लेते हैं। और ये है पर्पल वाला जो प्लांट्स होता है, तो ये इसकी ना डालियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी तो अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने सोचा चलो ये पानी में भी हो जाता है और पॉट में भी हो जाता है, तो मैंने सोचा इसे पॉट में लगा देते हैं दोबारा से, और कुछ 2-3 टहनियाँ लगा देते हैं इसकी पानी में। जैम की बोतल खाली थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने उसी में लगा दी, आपको दिखाऊंगी कैसी लग रही है। तो चलिए, हम इसकी ट्रिमिंग करके और इसे भी दोबारा से लगा देते हैं। और गैस, पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और गैस प्लीज़ क्या नन्ना सा कमेंट्स कीजिए, कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, अगर कोई गलत लगे, कोई बात गलत लगती है आप लोगों को तो वो भी बता कर जाइएगा, अच्छी लगती है तो वो भी बता कर जाइएगा। तो चलिए जी, हम अपना काम जारी रखते हैं, और आज का दिन कर दिया है मैंने अपने प्लांट्स के नाम। छोटा सा घर है मेरा, मगर मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, शादी से पहले भी पूरी छत पे मैंने लगा रखे थे, अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, थोड़ा टाइम मिल जाता है तो दिल करता है गार्डनिंग करने का, पर आप समझ सकते हो छोटे से घर में इंसान कैसे एडजस्ट करता है, तो बस वही है। और ये गर्मी में ऊपर जल गए थे सारे मेरे प्लांट्स, तो मैंने इन्हें बड़े उससे थोड़ी सी जगह करके नीचे रख लिया है, ताकि तब तक बरसात का मौसम नहीं आए तब तक मैं इन्हें नीचे रखूंगी। और मेरी गलती से मेरे 4 गमलों की मनी प्लांट बिल्कुल जल चुकी है, मैंने ध्यान नहीं करा गाइस, 1-2 दिन में छत पर नहीं गई और फिर गए ना, मेरा बड़ा दिल दुखा, सारी मनी प्लांट सूख चुकी थी, जल चुकी थी बिल्कुल। तो बस दोबारा से मैं इसे लगा रही हूँ, जेट प्लांट लगा रही हूँ। तो ये देखें गाइस, ये है मेरे जो कटिंग करी है वो वाला गमला है ये, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, सूखे पत्ते हैं, इसका गमला साफ़ करूंगी, इसकी भी काफ़ी दिन से सफाई नहीं हुई थी। और ये देखें, ये सारे गमलों में मैंने मनी प्लांट्स वगैरह लगा दिए, तो चलिए हम इस वाले गमले की पहले सफाई कर लेते हैं, जो सूखे पत्ते हैं और इसको साफ़ कर देते हैं, सूखे वूखे पत्ते और इसकी टहनियों को अच्छे से निकाल लेते हैं। जो बड़ी बड़ी हो गई हैं मैं उसे बांध दूँगी, जो ये चढ़ा दूँगी इसकी बेल जो दीवार पर थी, और जो छोटी हैं वो अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो बस यही काम है। और गाइस, वेट मेरा बहुत बढ़ रहा है, तो बस वेट भी कम करना है, पर पता नहीं क्या है इससे तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए मैं कोई कसरत वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, समझ सकते हो अकेली हूँ फैमिली में, मतलब कोई काम करने वाला नहीं है, मैं ही हूँ और 4 जेंट्स हैं, तो आप समझ सकते हो। अगर मैं वर्कआउट करूँगी, योगा करूँगी, तो मैं आपको उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए,
तो ये देखें माशाल्लाह से सारा मैंने ये पॉट वगैरह जो था अच्छे से वो गमला था वो उसे साफ़ कर दिया है। और अब हम इसे दे देते हैं पानी और उसके बाद चलते हैं फिर हम ऊपर, थोड़ी देर आराम करूँगी और आराम करने के बाद फिर बनाऊँगी रात का खाना। तो ये देखें, चलिए हम पहले पानी दे देते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी वगैरह कूड़ा था आंगन की भी सफाई करके जानी, नहीं तो ये मिट्टी बच्चे सारे घर में फैला देंगे चप्पलों से। आप समझ सकते हो लड़कों को हर एक बात समझानी पड़ती है, वो खुद कभी नहीं करते हैं उस काम को। लड़कियों को नहीं समझानी पड़ती है, ये अल्लाह की तरफ से है कि लड़कियां सलीकेदार होती हैं, तो बस मुझे सारा कुछ करना होता है। तो मैं यहाँ से पहले मिट्टी वगैरह फ़र्श धो दूँगी और जहाँ जहाँ इन्हें रखना है मुझे वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये मतलब मैंने पानी वाले प्लांट्स हैं तो मैं ऊपर वाले रूम में ले जाती हूँ, वहाँ अच्छे लगते हैं मुझे, आपको दिखा भी दूँगी मैंने कहाँ पर रखे हैं। और जो ये यहीं पर रखने वाले यानी इंडोर वाले हैं, अंदर रखने वाले, तो वो मैं साइड में मशीन के रख दूँगी, क्योंकि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं एडजस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने यहाँ पर छोटी सी जगह पर रख दी है सिलेंडर के पास, सिलेंडर भी मेरा यहीं रख रहता है। और ये वाली बेल मैंने बांध दी थी, काफ़ी लंबी हो रही है गाइस, प्लीज़ अगर कोई जानता है तो उसका नाम मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट्स बॉक्स में। मैं नहीं जानती हूँ किस चीज़ की बेल उगाई है गमले में, काफ़ी खूबसूरत इसका पत्ता है। तो ये देखें, इस सामान जाना है ऊपर, मैंने फर्श वगैरह धो दिया है। चलिए तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मिलेंगे आपसे खाने पर। तो ये देखें जी, शाम का टाइम हो चुका है, 7 बज रहे हैं, मगरिब के बाद का टाइम है ये। और ये मैं बना रही हूँ मटन कोरमा, तो उसी का ये सामान दिखा रही हूँ मैं आपको। प्याज, अदरक, लहसुन है और ये मगज़ है, काजू है, बादाम है और गोला है। बहुत यम्मी और टेस्टी बनती है ये रेसिपी, मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों से शेयर की है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम खाना बना लेते हैं झटपट से। वैसे तो हम ईशा की नमाज़ के बाद ही खाते हैं खाना, पर बना के पहले रख लो, रोटी होटल से आनी है तो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ खाना रेडी है। बस सैलेड काटना है तो वह हैंड टू हैंड काट लूँगी। तो चलिए जी, ये देखें ये पिस चुका है, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है सारी चीज़ों का। अब चढ़ा देते हम जी, मटन धोकर रख लिया था, ये देखें 1/2 किलो मटन है ये। और बच्चे कम खाते हैं मेरे, छोटा वाला बेटा तो मेरा बीच वाला जो है वो बिल्कुल नहीं खाता है गोश्त, बड़ा वाला तो थोड़ा सा अब खाने लगा है, नहीं तो वो भी नहीं खाता। तो ये देखें, मैंने ऑयल डाल दिया था उसमें कुकर में और ये गर्म हो चुका है, तो हमने डाल दिया इसमें मटन और तेज़पत्ता डाल दिया इसमें, और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें खड़ा मसाला और हम इसे अच्छे से तल लेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फुल रेसिपी है ये, मैंने तो काफ़ी दफ़ा आप लोगों से शेयर किए। तो ये देखें, थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें खड़ा मसाला, ताकि इसकी खुशबू, खड़े मसाले की खुशबू ना अलग ही आती है, अलग फ्लेवर आता है उसका, तो थोड़ा सा ज़रूर डालें। और पिसा हुआ डालूंगी सबसे लास्ट में, तो अच्छे से हम इसे तल लेंगे गोश्त को। और फिर जो हमने मसाले पीसे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे, उसके अलावा भी हमें मसाले डालने जो दिखा दिया था मैंने, जो सूखे मसाले होते हैं वो भी इसमें जाएंगे, और जो ग्रेवी बनाई है जिसकी वो भी मैंने तुम्हें दिखा दिया है। तो ये देखें, जो ये मैंने ग्रेवी बनाई थी, अदरक लहसुन था इसमें, मगज़ वगैरह थे सब, तो इसमें हम डाल देंगे। और गाइस प्लीज़ आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं भी कुछ अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिएगा। किसी और चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस का नाम ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच भर के डाली है मैंने इसमें, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह जाएगी, दही जाएगी, तो थोड़ा सा मीठा बनाएगा, इसलिए थोड़ी सी मिर्ची भर के डाली है 1 चम्मच। और हल्दी डाली है 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम, जी डाल दिया है ये पिसा हुआ धनिया भर के डाला है, क्योंकि इसका मसाला बनेगा, ये सूखे मसाले होते हैं तो। और ये जी डाल दिया है नमक, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो आप। तो ये देखें, अब हम इसे चला देंगे, बहुत यम्मी बना था गाइस, बहुत टेस्टी बना था। खैर मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रही गाइस, आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फिर आप कमेंट्स करके बताएगा अच्छा बना था या नहीं, क्योंकि अपने हाथ का तो सभी को अच्छा लगता है, पर दूसरे की रेसिपी भी कभी कभी ट्राई करनी चाहिए। तो हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि गोश्त का मसाला लगे नहीं। और गैस ब्लॉग लेट आ रहा है, मैं आपने आपको बताया था, बस अकेली हूँ, बैकमैन में बहुत
वो सॉरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल, कोई काम नहीं, मन नहीं, नहीं बिल्कुल मन नहीं था, तबीयत ठीक नहीं होती, मेरा मन नहीं करता काम करने का बिल्कुल भी। अब इसमें डालेंगे हम दही, तो ये देखें दही डाल देती हूँ मैं इसमें, और हम फिर इसे चला देंगे अच्छे से, और बहुत ही अच्छी और क्रीमी सी इसकी ग्रेवी बनती है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे कर देंगे बंद, ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना है क्योंकि मटन जल्दी ही गल जाता है, तो ज़्यादा देर ना पकाएं इससे, बस 10-15 मिनट ही पकाएं और फिर गैस कर दें ऑफ, और उसके बाद इसे भूनने के यानी हम प्याज वगैरह डालेंगे। तो आगे की वीडियो मैंने नहीं डाली थी गाइस, पता नहीं क्लिप मिस हो गई क्या हुआ मुझसे, तो मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, बस इतना ही पानी डालेंगे ताकि हमारे गोश्त जो है गल जाए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि मटन वैसे भी पानी छोड़ता है। चलिए गैस सॉरी कुकर कर देते हैं बंद, और प्याज जो है हम इसे भूनते टाइम डालेंगे। इसकी क्लिप मिल गई तो मैं अभी ढूंढती हूँ डाल दूँगी, नहीं मिली तो सॉरी गाइस, मेरी और रेसिपी है फोर में की, आप उसे देख सकते हैं, फुल रेसिपी नहीं है इसमें शायद। तो ये देखें ये मैंने प्लांट्स यहाँ रख दिए थे, जो पानी वाले थे पर्पल वाला है और दो है मनी प्लांट, मेरी फेवरेट है। तो हम खाना वाना खाकर आ गए थे टहलने के लिए इंडिया गेट, लगभग 11 बजे का टाइम है, 10:30 बजे हम चले थे, थोड़ा सा हमें आने में भी टाइम लगा, और सूफियान कर रहे हैं फुल इंजॉय, और उनके पापा फ़ोटो खींच रहे थे सूफियान के। तो ये देखें जी ये किस किस ने देखा है ये वाला सिनेमा, मैंने तो देखा है बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, दिल्ली में भी नहीं रहती थी शायद, यूपी में रहते थे तब देखा था, अब तो कहाँ देखने, पर हाँ हमारे बच्चे ये चीज़ें नहीं कर पाए जो हमने कर ली, और जो हमारे बच्चे कर रहे हैं शायद उनके बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे जनरेशन गैप कहते हैं। तो ये देखिए इंडिया गेट आए थे, तो इंडिया गेट का तो पार्क बंद थे, तो हम इस सामने वाली जो साइड है वहाँ पर आ गए थे, और सूफियान सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए खिलौना, क्या लेना है बॉल लूँ क्या लूँ, तो इन्होंने एक बॉल ख़रीदी थी यहाँ से, और मैं शूट कर रही थी वीडियो, इनके टॉयज देख रही थी यानी खिलौने देख रही थी बच्चों के, बड़े प्यारे लाइटिंग के थे ये, तो मुझे कुछ रील्स भी बनानी थी वो बनाई मैंने। तो ये देखें, और गाइज़ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, इंडियन ब्लॉगर सीमा के नाम से मेरी आईडी है, अगर इस नाम से नहीं मिले तो दिल्ली ब्लॉगर सीमा के नाम से सर्च कर लेना, मेरी और मेरा बिकी पिक लगी हुई है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में लिंक शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए वापसी में कितनी प्यारी लग रही थी लाइटिंग, और गाइज़ दिल्ली में ना रात का व्यू बहुत ही प्यारा होता है, और इतनी तेज़ बाइक नहीं चल रही है ये ना, मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है, अभी आप लोग सोचो इतनी तेज़ क्यों ड्राइव कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड तो इस नॉर्मली चल रही है, पहली दफ़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा कमेंट्स करिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।